सप्ताह में रुद्र रूप धारण कर चुके रुद्रप्रयाग हम आ पहुंचे हैं। मेरे पीछे मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों का संगम है, तभी इसे प्रयाग कहा जाता है और रुद्र यानी भगवान शिव की नगरी। वोटपत्र में हम जानने की कोशिश करेंगे कि रुद्रप्रयाग में भगवान भोले का आशीर्वाद किसे मिल रहा है, किस पार्टी को लेकर जनता की राय क्या है। रुद्रप्रयाग विधानसभा क्षेत्र में हम मौजूद है। रुद्रप्रयाग केदारनाथ यात्रा पथ पर पड़ता है, लेकिन कितना असर है, टूरिस्ट कितने कम हो गए हैं? सीधा ड्राइवरों से बात कर लेते हैं। आप बताइए कितना असर पड़ा है अगर यहाँ की बात करें इस इलाके की, और क्या सोच के इस बार वोट देंगे? असर तो सब कोरोना काल में बहुत पड़ा है, हमारा गाड़ियों का धंधा ठप हुआ है। बस केंद्र में मोदी सरकार काम कर रही है? हाँ, काम तो कर रही है, पर ये धानी सरकार, अब धानी सरकार भी अच्छा उस पे है, पहले से मोदी सरकार दोनों काम कर रही है। एक ड्राइवर के रूप में आपको क्या लगता है किस तरीके से काम हो रहा है और कैसा और होना चाहिए? वैसे काम तो सही हो रहा है, पर ऐसा है कि ये कोरोना के चक्कर में सब अस्त व्यस्त हो रहा है, हमारा तो गाड़ियों का कोई काम ही नहीं चल रहा है। सवाल क्षेत्र में हम मौजूद है, रुद्रप्रयाग विधानसभा क्षेत्र है। युवा क्या सोचते हैं, यहाँ पे व्यापारी क्या सोचते हैं, इन सबसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है आपको इस बार किसकी सरकार बन रही है और किस आधार पर बन रही है, मुद्दे क्या है? सर पहले तो अभी तक उत्तराखंड राज्य बने हुए 20-21 साल हो गए हैं, और अभी आप तक देखोगे कि यहाँ पे समय समय पे सत्ता परिवर्तन होती रही है। दो ही सरकारों ने अभी तक उत्तराखंड में राज किया है, उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी ने और बीजेपी ने। तो इन दो पार्टियों की जो नाकामी रही है यहाँ पे, अभी तक ना तो यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई है, रोडों की स्थितियां बहुत ही खराब है, रोजगार के मामले में देखो तो यहाँ पे पलायन निरंतर बढ़ता जा रहा है, और उत्तराखंड राज्य बनने के बाद 35 लाख लोग यहाँ से पलायन करे हैं, तो ये बहुत ही दुर्भाग्य है। और पलायन बड़ी समस्या है, रोजगार की क्या स्थिति? रोजगार की भी सेम ही कंडीशन है यहाँ पे। यहाँ पे देखो जैसा भी कमल भाई ने कहा यहाँ पे कि स्कूल की समस्या, स्वास्थ्य सेवाएं, कई चीजें यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम है कि मैं बोलता हूँ ये 20-21 साल हो गए उत्तराखंड को बने हुए, तो यहाँ पे तो देखो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। हमने शहर के मुख्य बाजार और बस में यात्रियों के साथ ग्रामीण इलाकों में भी जनता की नब्ज टटोली, तो सुनिए यहाँ की जनता की क्या राय है। हम रुद्रप्रयाग में एक बस के अंदर आ गए हैं, मुसाफिरों से बात करेंगे। क्या सोच के वोट देंगे इस बार, कौन का अच्छा काम कर रहा है? सर जो भी अच्छे काम करेगा उसी को वोट देंगे। कुछ विकास हुआ है या हो ही रहा है सर? क्या क्या बदला है इस इलाके में? बहुत कुछ बदल गया है। क्या सोच के इस बार वोट देने वाले हैं आप? इस समय जो है हम ये बेरोजगारी बढ़ी हुई है इधर, इस सोच के हम वोट देंगे। तो बेरोजगारी की वजह क्या है, सरकार के कामकाज है या कोरोना की महामारी है, क्या लगता है? कोरोना भी है लेकिन कुछ सरकार की भी इसमें थोड़ा कमी। तो परिवर्तन होना चाहिए आपको लगता है? होना चाहिए सर। विकास है ना बीजेपी का है ना कांग्रेस का है, हमारे यहाँ पे ये खतरना गांव पड़ता है सामने 17 खाल, ये हमारे पोस्ट ऑफिस में अभी तक हम सड़क से वंचित है, ये सामने 7 किलोमीटर। तो वादा किसी ने किया था क्या कांग्रेस बीजेपी तो सभी करते हैं, झूठ बोलना तो नेता वादा करते हैं लेकिन काम नहीं हो पाता, इसलिए नोटा दबाएगा। कुछ काम हुआ है क्या? काम का विकास हुआ है? विकास कुछ नहीं हुआ यार, क्या विकास हुआ? युवाओं से बात करने की कोशिश करते हैं। रुद्रप्रयाग के युवा क्या सोच के वोट देंगे? विकास को। विकास किसने किया? विकास तो भाई अभी किसी ने नहीं किया पिछले 17-20 सालों से। फिर क्या सोच के वोट डालेंगे? देखते हैं जैसे लहर चलेगी। गांव में आ गए हैं, देहात में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ का रुख क्या है। बन्नटोली का ये गांव है और इस गांव में हम महिलाओं, पुरुष और जो नए वोटर हैं सबसे बात करने की कोशिश करेंगे। खास बात यह है कि ये गांव सैनिक बहुल गांव है जहाँ पे बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक भी रहे हैं। सबसे पहले हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे कि आप तो भूतपूर्व सैनिक रहे, इंडियन एयरफोर्स के साथ आपने काम किया है, क्या स्थिति है गांव की, कितना बदला है गांव, कितना विकास नजर आ रहा है? कुछ नहीं बदला, जैसा का तैसा है गांव में, क्या है कुछ है कुछ नहीं। रुद्रप्रयाग में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर रहती है, लेकिन 2017 में यहां बीजेपी को जीत मिली और इसी जीत को दोहराने के लिए अमित शाह आज देवभूमि पधार रहे हैं। रुद्रप्रयाग से राहुल डबास के साथ टीम न्यूज़ नेशन।